नमस्कार, आप देख रहे हैं सागोड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। चुनावी दंगल। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच चुनाव के साथ साथ गांव के सरकार बनाने में मतदाताओं ने काफी उत्साह दिखाया। इधर डूंगरपुर जिले के बैणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने भी संत महावजी महाराज राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। इस दौरान महंत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, हमारे गांव की संसद चुनी जा रही है, खुशी की बात है। हमारे लोकतंत्र के समर्थकों ने हमें इसका अधिकार दिया। आज हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए। गांव के विकास में समाज के विकास है और व्यक्ति का विकास है। भगवान सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। महंत ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी नागरिकों से की अपील। अपने मतदान का उपयोग करने की गई अपील। पंचायती राज चुनावी दंगल में पनकोड़ा में होगा 3 सरपंच के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज। वहीं वार्ड पंच के 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी जनता तय करेगी आज। महिलाओं, युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मतदान में काफी रुचि दिखाई। मतदान को लेकर सुबह से ही बाजार बंद नजर आए और सभी के चेहरे पर कौन बनेगा सरपंच की चुप्पी नजर आई। अपने आसपास की ताजा खबर को अपने मोबाइल पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलें। आगे की खबर। पुनाली गांव के सरपंच पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। गांव के सुखदेव भाई राजकीय विद्यालय में 13 वार्ड पंच पद के लिए 49 उम्मीदवार मैदान में हैं और 4790 मतदाता मिलकर करेंगे अपने गांव के सरपंच का फैसला। चुनाव सुबह से ही मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। वहीं पर महिलाओं सहित युवाओं और बुजुर्गों ने भी चुनाव में काफी उत्साह दिखाया। अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाता नजर आए। कड़ी धूप में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। पंचायती राज चुनाव में इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखने ही बन रहा है। साथ ही बुजुर्गों सहित विकलांग और ज्यादा उम्र के लोगों ने भी किया है मतदान। आज रात तक सभी का फैसला आ जाने की संभावना है। पंचायती राज चुनाव में पहली बार दिख रहा है इतना उत्साह। इधर डूंगरपुर जिले के पूंछपुर की महिलाओं ने गांव की सरकार को लेकर काफी उत्साह दिखाया। सरकार को लेकर काफी उत्साहपूर्वक नजर आई गांव की महिलाएं। कड़ी धूप में कतार में खड़ी दिखाई दी महिलाएं। दोपहर 1 बजे तक पूंछपुर में 40% मतदान हुआ था। जोधरी पंचायत राज चुनाव के तहत जोधरी पंचायत में दोपहर 1 बजे तक 48% मतदान हुआ। मतदाता लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। नाम है तेरा? जोर से बोल। आशा, पहली बार वोट डाल रही है क्या? कैसा लग रहा है वोट डाल के? जोधरी में कुल 2841 मतदाता गांव के सरपंच का चुनाव करेंगे। कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहली बार का मतदान करने वाले युवाओं में काफी उत्साह दिखा। इधर आसपुर तहसील के गोल गांव में दिव्यांग पुरुष और महिलाओं को समाज सेवी मतदान करवाने लाते दिखाई दिए। जानकारी देते हुए ग्राम विकास अधिकारी हिम्मत सिंह चुंडावत, ग्राम रोजगार सहायक गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा और युवाओं में मतदान के लिए काफी उत्साह दिखाई दिया। लेटेस्ट न्यूज को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर से ताजा खबर के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।